हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, क्लास 8, ज्योग्राफी। और आज जो चैप्टर का नाम है वो है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं और पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक कहानी से इन्होंने स्टार्टिंग की है चैप्टर की। किरी इज़ विजिटिंग शुकान इन हिज नेटिव प्लेस। जो किरी है वो अपने दोस्त सुकांत से मिलने के लिए उसके नेटिव प्लेस पे गया। नेटिव प्लेस मतलब जहाँ सुकांत रहता है, उसके रहने वाली जगह को नेटिव प्लेस कहा गया है, नियर धनबाद। और जो सुकांत है वो धनबाद के पास में एक जगह है, वहाँ पर ये रहता है। किरी इज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देख के बड़ा ही उसको अचंभा होता है। अमेज मतलब होता है कि एकदम से चकित हो जाना कि सब जगह काला ही काला नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो ब्लैक है। सुकांत, वाई इज़ दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। अब सुकांत ने जो किरी था उसने सुकांत से पूछा कि सुकांत बताओ कि ये सारी इतनी जगह है वो क्यों इतनी काली है और डस्टी है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइन नियर बाय। और जो सुकांत था उसने जवाब दिया, इसका कारण ये है कि पास में ही कोल माइन है। डू यू सी द ट्रक्स, उसने बोला तुम्हें वो ट्रक्स दिखाई दे रहे हैं। दे आर कैरिंग द मिनरल कोल। और वो अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, मिनरल कोल्स लेके जा रहे हैं। अब किरी ने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं। आक्स किरी सुकांत से, सुकांत ने उसका आंसर दिया, हैव यू एवर सीन द बेकर बेकिंग बिस्किट। क्या आपने देखा है कभी जो बेकर होता है जो बिस्किट बनाता है, बेक करता है बिस्किट्स को, उसको बनाते हो कभी बिस्किट, आपने देखा है बेकर को। द फ्लोर मिल्क शुगर एंड सम टाइम एग्स आर मिक्स टुगेदर। और बिस्किट बनाते वक्त जो बेकर है वो उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभार उसमें अंडा भी मिला देता है, एक साथ मिलाकर, और फिर उसको बेक करने के लिए रख देता है। While eating the baked biscuits, can you see these ingredients separately? जब तुम ये बिस्किट खाते हो तो उस समय क्या तुम इन चीज़ों को, जो भी ऊपर नाम लिखे हैं, फ्लोर मिल्क शुगर और एग, क्या इनको अलग अलग देख सकते हो उस वक्त खाते हो। Just as in the biscuit, जैसे कि बिस्किट के अंदर होता है, there are a number of things, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं that you cannot see rocks on this earth. और रॉक्स के अंदर से बहुत सारी चीज़ें होती है, या इस अर्थ के ऊपर जो जस्ट एज बिस्किट देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बिस्किट की जैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, जो तुम देख नहीं सकते हो। रॉक्स ऑन दिस अर्थ, जो रॉक्स हैं इस अर्थ के ऊपर, हैव सेवरल मटेरियल्स, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिसको कि मिनरल्स, और उनके अंदर मिनरल मिक्स्ड होते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। और ये जो मिनरल्स हैं ये अर्थ के रॉकी क्रस्ट पर बहुत दूर दूर या अलग अलग पाए जाते हैं। स्कैटर्ड मतलब होता है दूर दूर, और थ्रू आउट द अर्थ पूरे अर्थ के अंदर। नेचुरल अकरिंग, अब ये बता रहा है डेफिनेशन। तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि व्हाट आर मिनरल्स, तो इसमें आपकी डेफिनेशन आ जाएगी मिनरल्स अकरिंग, मिनरल्स अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज डेफिनेट कंपोजिशन इज अ मिनरल। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो केमिकल कंपोजिशन से बने हुए होते हैं, ऐसे सब्सटेंस उनको मिनरल्स कहा जाता है। और आप इसमें ये भी बोल सकते हैं मिनरल्स आर दो सब्सटेंस विच वी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द अर्थ, जो आप अर्थ के गहराई से जिनको निकालते हैं उनको मिनरल्स कहा जाता है। एंड दे हैव देयर केमिकल एंड फिजिकल कंपोजिशन, इनके अपने ही केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन होते हैं। सो मिनरल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेस। और जो मिनरल्स हैं वो स्पेस पर नॉट इवनली मतलब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो कहीं पर मिनरल्स कम पाए जाते हैं।
दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरियाज, और ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, या और रॉक फॉर्मेशंस जहाँ रॉक्स वगैरह बने होते हैं, रॉक फॉर्म होते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन द एरियाज, कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो ऐसे एरियाज के अंदर पाए जाते हैं विच आर नॉट इजीली एसेसेबल, जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं, आसानी से नहीं मिलते हैं, सच एज आर्टिक ओशियंस बेड एंड एंटार्क्टिका। जैसे कि कुछ आर्टिक ओशियंस का जो तल है, बेड मीन्स होता है तल, ओशियन का जो तल होता है मतलब नीचे वाला जो ओशन का हिस्सा होता है जहाँ लैंड होती है ओशन के अंदर, तो ऐसे ही आर्टिक ओशन के बेड के अंदर या ओशन के तल के अंदर, और एंटार्क्टिका यहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं लेकिन उनको हम आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, उनको निकालना डिफिकल्ट होता है। मिनरल्स आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और जो मिनरल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। जियोलॉजिकल मतलब कि जो ज़मीन है या धरती है वो अलग अलग रूप से बनी हुई है, कहीं पर आपको प्लेट्यूज दिखेंगे, कहीं पे प्लेन दिखेंगे, या कहीं पे माउंटेन दिखेंगे, तो वहाँ का अलग अलग एनवायरनमेंट भी होता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग अलग पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर मिनरल्स, अलग अलग टाइप्स के जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं अंडर अ वेराइंग कंडीशन। वेराइंग मतलब होता है अलग, डिफरेंट, अलग कंडीशंस के अंदर दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, और वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट होते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से बनते हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल प्रोसेस के अंदर ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, इंटरफेरेंस मतलब दखल अंदाजी नहीं होती है, तो ये अपने आप बनते हैं, प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं या प्रकृति उनको बनाती है। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इनको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर पहचाना जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे उनका कलर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस हार्डनेस कैसा है। कलर तो मीन्स आप जानते ही हैं, कलर मीन्स रंग होता है, डेंसिटी मीन्स घनत्व होता है, हार्डनेस मीन्स होता है कितना कठोर है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं कौन सी उसमें पाई जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे कि जो मिनरल है वो सॉल्युबल है या नहीं, सॉल्युबल मतलब होता है घुलना या किसी भी लिक्विड के अंदर मिल जाना, तो वो सॉल्युबल, तो केमिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है कि वो सॉल्युबल है या नहीं। तो जैसे इसके अंदर उन्होंने बताया रहता है ड्यूनो के अंदर, द सॉल्ट इन योर फूड आर इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल, तो ये दोनों ही मिनरल्स हैं, सॉल्ट भी मिनरल है और ग्रेफाइट भी मिनरल है। सॉल्ट जो आपके खाने में होता है और ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल के अंदर होता है, ये दोनों ही मिनरल्स हैं। देन फिर आता है अब आपका टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स मीन्स किस कितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल्स को सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, जो मिनरल्स होते हैं उनको बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। देयर आर ओवर 3,000 डिफरेंट मिनरल्स, और हमारी अर्थ पर 3,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पर, मतलब कंपोजिशन मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कंपोजिशन के बेसिस पर मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल। तो कैसे हैं, इसमें क्या मिला हुआ है, उसके बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स में। तो मेटलिक मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं, मेटलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स। मेटलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल का मेटल होता है, एंड नॉन मेटलिक्स आर दोज मिनरल्स, नॉन मेटलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल, जिसके अंदर मेटल नहीं होता है। ठीक है, मेटलिक का जो एग्जाम्पल है जैसे कि आपका आयरन ओर हो सकता है, मैगनीज हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है, तो ये सारे ऐसे हैं जिस जो मेटल से बने हुए हैं, तो ये मेटलिक मिनरल्स कहलाएंगे। और नॉन मेटलिक के अंदर जो इसके एग्जाम्पल हैं उसमें हम आप बोल सकते हैं जैसे कि इसमें आपका नॉन मेटलिक्स के अंदर ऐसी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं जो कि मेटल से नहीं बनी होती हैं, जैसे कि आपका ग्रेफाइट भी हो सकता है, मार्बल भी हो सकता है, तो ये कौन से हो जाएंगे, नॉन मेटलिक मिनरल। मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस।
ये टू टाइप्स की हो गई, मेटलिक मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मीन्स, फेरस जो है वो साइंटिफिक नेम है आयरन का, और फेरस मेटलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन। फेरस मेटलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर आयरन होता है ना, और नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर आयरन नहीं होता है। तो दीज आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन आयरन, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स था। अब यही चीज़ उसने बता दिया, द मेटलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन अ रॉ फॉर्म। मेटलिक मिनरल्स के अंदर जो मेटल है वो रॉ फॉर्म के अंदर पाया जाता है। मेटल आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है एक हार्ड सब्सटेंस है जो कि जिसमें जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी माना जाता है, एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लस्टर और शाइन। और इसकी जो विशेषता है ये चमकदार होता है, चमकता है। एंड आयरन ओर, बॉक्साइट, मैगनीज ओर, तो आयरन ओर, बॉक्साइट, मैगनीज ओर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटलिक मिनरल्स के। मेटलिक मिनरल्स फेरस भी हो सकते हैं और नॉन फेरस भी हो सकते हैं। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, फेरस मिनरल्स जैसे कि आयरन ओर है, मैगनीज है, क्रोमाइट है, इनके अंदर आयरन होता है इसलिए इनको फेरस कहा जाता है, फेरस मिनरल्स कहते हैं। अ नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स। और नॉन फेरस के अंदर आयरन नहीं होता बल्कि दूसरे मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। तो ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें कि आयरन नहीं होता है। तो ये आपके मेटल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, और इसकी बुक के अंदर जो लिखा है मेटल मेटल मेटलिक मिनरल्स की, ये मेटलिक मिनरल्स हो गए, आप इसको लिख सकते हैं इसमें। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज मेटलिक मिनरल्स, तो आप मेरी इजी वाली डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं और इसमें एग्जाम्पल दे देंगे, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही सही हैं। और ये फेरस और नॉन फेरस के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर मेटलिक मिनरल्स, आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं, राइट देयर टाइप्स ऑल्सो, तो आपको उसके टाइप्स वगैरह भी लिखने होंगे। और साथ में जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके साथ एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। देन फिर ये आपके नॉन मेटलिक की डेफिनेशन होगी, नॉन मेटलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, लाइम स्टोन, मिक्का, जिप्सम, ये इसके एग्जाम्पल। मिनरल्स फ्यूल्स, जैसे कि जो मिनरल्स फ्यूल के रूप में यूज़ किए जाते हैं जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे नॉन मेटलिक मिनरल्स कहे जाते हैं। अब ये तो हो गया कि मेटलिक कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं और मेटलिक भी कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है। तो एक्सट्रैक्टेड मतलब होता है निकालना, तो मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। तो एक्सट्रैक्ट, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये थ्री टाइप्स से हम इसको निकाल सकते हैं, और ये आप इसको चार्ट बना करके समझाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग आ जाता है। माइनिंग भी टू टाइप्स की होती है, एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा होता है शेफ्ट माइनिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइनिंग क्या चीज़ होती है। ये डेफिनेशन है, क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरिड अंडर द अर्थ। अर्थ अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर जो दबे हुए रॉक्स रॉक्स होते हैं, या रॉक्स के अंदर जो दबे हुए मिनरल्स होते हैं अर्थ सरफेस के नीचे, उनको निकालना माइनिंग कहलाता है। टेकिंग आउट मतलब होता है उनको बाहर निकालना। मिनरल्स को जो कि रॉक्स के अंदर होते हैं, बरिड होते हैं अर्थ सरफेस में, उनको माइनिंग्स के थ्रू निकाला जाता है। मिनरल्स दैट लाई शेलो डेप्थ, अब इसमें बोल रहे थे कि क्योंकि माइनिंग भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी होती है शेफ्ट माइनिंग। तो मिनरल्स, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है, ओपन कास्ट माइनिंग के अंदर जो मिनरल्स होते हैं इनको शैलो मीन्स होता है कम गहराई, कम गहराई वाले जगह से इनको निकाला जाता है आउट बाय रिमूविंग द अर्थ सरफेस लेयर, जो अर्थ सरफेस की लेयर है उसको हटा करके, और इसी को हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। यानी ऊपर से उसको खोद खाद के और उसमें से जो मिनरल्स हैं उनको निकाला जाता है, तो वो ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है। देन जो दूसरा है वो होती है शेफ्ट माइनिंग। तो शेफ्ट माइन की जो डेफिनेशन है वो है डीप बोर्स कॉल्ड शेफ्ट, मतलब गहराई से खोदना, ठीक है, डीप बोर बोरिंग करना, ये शेफ्ट को शेफ्ट बोलते हैं। एंड हैव टू बी रीच मिनरल्स, और उसके बाद मिनरल्स डिपॉजिट तक पहुंचा जाता है
दैट लाइज द ग्रेट डेप्थ, जो कि काफ़ी गहराई के अंदर होते हैं, और इसी को हम शेफ्ट माइनिंग कहते हैं। पेट्रोलियम नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। अब क्या होता है, जो पेट्रोलियम है या जो नेचुरल गैस है वो काफ़ी दूरी पर होते हैं अर्थ सरफेस से, मतलब काफ़ी नीचे होते हैं अर्थ सरफेस के अंदर, और इसको हम निकालते हैं ड्रिलिंग के थ्रू। और मतलब ड्रिलिंग कैसे करते हैं, आपने बोरिंग करते हुए देखा होगा, इस तरह से ड्रिलिंग मशीन यूज़ की जाती है कुएँ वगैरह खोदने के लिए। तो डीप वेल्स खोदे जाते हैं, बोर मतलब इनको खोदना, ड्रिलिंग मशीन को यूज़ करके टू टेक देम आउट, और वहाँ से इनको निकाला जाता है। दिस इज ड्रिलिंग, इसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। जैसे ये ड्रिलिंग मशीन हो रही जा रही है अंदर, और अंदर से फिर ये ऑयल निकाल रही है, तो ये ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग कहलाता है। और क्वेरिंग क्या होता है, क्वेरिंग की डेफिनेशन है मिनरल्स दैट लाइज नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट। और ऐसे मिनरल्स जो कि सरफेस के पास में ही हैं और उनको आसानी से बाहर निकाला जाता है, सिंपली डग आउट, उनको खोदा जाता है, खोद के निकाल लिया जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्वेरिंग बोलते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ किस टाइप से आप निकाल सकते हैं मिनरल्स को, तो 3 टाइप से आप निकाल सकते हैं, माइनिंग, क्वेरिंग एंड ड्रिलिंग। अब आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो मिनरल्स हैं वो वर्ल्ड के अंदर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से रॉक्स के अंदर होते हैं, कितने टाइप्स के रॉक्स होते हैं जहाँ पर ये मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन से रॉक्स में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और कौन कौन से मिनरल किस किस टाइप के रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जैसे इसने दे रखा है पर ड्यूनो के अंदर, यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन कॉपर, कि आप हमेशा ही कहते हैं कि अगर किसी भी रॉक के अंदर अगर कॉपर होता है, बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर, और उसकी वजह से जो रॉक होता है ना वो ब्लू कलर में दिखाई देता है, क्योंकि कॉपर है वहाँ पर, इस वजह से जो रॉक है उसका कलर ब्लू नज़र आता है, तो ये ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में इसमें बताया गया, जो मिनरल्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, और रॉक्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, ये फर्स्ट इग्नियस रॉक होता है, इसको पेरेंट रॉक्स भी कहते हैं, सेकेंड होता है सेडिमेंट्री रॉक, एंड थर्ड होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। तो कुछ जो मिनरल्स हैं वो इग्नियस रॉक के अंदर पाए जाते हैं, कुछ हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर पाए जाते हैं, और वहीं जो कुछ मिनरल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। इग्नियस रॉक को हिंदी में हम बोलते हैं आग्नेय शैल, जो अग्नि से बनता है, यानी जो वॉल्केनिक एरप्शन से होता है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं उनको हम कायंत्रित शैल बोलते हैं, और कायंत्रित मतलब काया में अंतर आने वाले जो रॉक्स होते हैं, और काया में अंतर कैसे आएगा, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब अपना फिजिकली और केमिकली रूप से जब इसमें चेंजेस आते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के अंदर, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जनरली मेटलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, और ज़्यादातर जो मेटलिक मिनरल्स होते हैं, अभी आप पढ़ के आए मेटल जिसमें होता है, ऐसे जो मिनरल्स होते हैं ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। रॉक फॉर्मेशन दैट आर फॉर्म अ लार्ज प्लेट्यूज, और जो कि एक बहुत बड़ा प्लेट्यू वगैरह बनाते हैं। आयरन ओर, जो आयरन ओर है खासकर ये नॉर्थ स्वीडन के अंदर, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स हैं वो ऑन्टेरियो के अंदर एंड कैनेडा के अंदर पाए जाते हैं। आयरन, निकल एंड क्रोमाइट एंड प्लैटिनम जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के जो कि इग्नियस रॉक के अंदर पाए जाते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स, और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं जिससे कि प्लेन्स वगैरह बनते हैं या यंग फोल्ड माउंटेन्स वगैरह बने हैं, कंटेन नॉन मेटलिक मिनरल्स, और यहाँ पर नॉन मेटलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। नॉन मेटलिक मिनरल्स बताया था आपको जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, डिपॉजिट्स कॉकेशस रीजन्स ऑफ फ्रांस, ये कॉकेशस रीजन्स फ्रांस के रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, ये जगह का नाम बताया है कॉकेशस
कॉकेसस फ्रांस के अंदर है। मैग्नीज जो डिपोजिट्स हैं वो गॉर्जिया के अंदर पाए जाते हैं एंड यूक्रेन में पाए जाते हैं। एंड जो फॉस्फेट बेड्स हैं, जो फॉस्फेट्स मिनरल का नाम है, ये अल्जीरिया के अंदर पाया जाता है। आर सम एग्जाम्पल्स, ये सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं। मिनरल्स, मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल, और जो मिनरल फ्यूल्स, जो फ्यूल्स मतलब जो जलाने के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम ईंधन बोलते हैं, ईंधन। तो ये ऐसे मिनरल्स जो है जैसे कि कोल या पेट्रोलियम है, ये सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के अंदर, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उसमें देखोगे आप कि एशिया, एशिया में ये चाइना और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं वो आयरन ओर के होते हैं। द कॉन्टिनेंट्स प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, और जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो वर्ल्ड का आधे से ज़्यादा टिन का प्रोडक्शन करता है। मतलब वर्ल्ड में जितना भी टिन प्रोडक्शन होता है उसका आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन इसमें होता है, एशिया में होता है, ये कॉन्टिनेंट है अपना। और अगर आप ये मैप, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह से शो किया है। तो इसमें आप कॉन्टिनेंट तो जानते ही हैं, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका एशिया है, यहाँ पे ये आपका यूरोप है, ये आपका ये आपका अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कॉन्टिनेंट है, और ये लास्ट जो आपको दिखा रहेगा ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, और ये जो है ये सारे के सारे ओशियंस हैं। ओशियंस के अंदर ये आपका पैसिफिक ओशियन आ जाता है, ये एंटार्क्टिक ओशियन है, ये यहाँ पर आपका इंडियन ओशियन आ जाता है, और यहाँ पर ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन पूरा, क्योंकि जो अर्थ है वो राउंड है, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इनके बीच में जो है ये एंटार्क्टिका है, और इंडिया के नीचे है वो इंडियन ओशन है। ये इसमें अलग अलग ओशियंस बता रखे हैं। अब अगर आप इसमें डायग्राम को देखेंगे तो इसके अंदर जो इंडेक्स दे रखा है, इंडेक्स के अंदर आयरन के लिए इस टाइप से यूज़ किया गया है, ये आयरन है, और ये वाला जो डायग्राम दिया है ये कॉपर को शो कर रहा है, और जो नीचे ये वाला जो है ये कॉपर शो कर रहा है, और ये जो है ये आपका बॉक्साइट शो कर रहा है, तो ये आयरन को शो कर रहा है। आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी इस टाइप का डायग्राम बना हुआ है ये आयरन को शो कर रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये शो हो रहा है, और नॉर्थ अमेरिका के अंदर भी ये यहाँ पे हो रहा है, ये ईस्टर्न साइड है नॉर्थ अमेरिका के। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये आयरन दिखेगा, यहाँ पे इधर हो रहा है आपके, इसके अलावा चाइना वगैरह इसमें हो रहा है, इधर इंडिया के अंदर आयरन हो रहा है, तो ये आयरन ओर को शो कर रहा है। देन उसके बाद इन्होंने कॉपर लिया है, कॉपर के लिए इन्होंने ये डायग्राम यूज़ किया है, ये कॉपर को शो कर रहा है। तो आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर कॉपर, यहाँ ये वेस्टर्न साइड है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, एंड ये इधर आप देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका के अंदर है, और यहाँ एशिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो एशिया के अंदर ये कुछ रीजन्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कॉपर पाया जाता है। इंडिया के अंदर कॉपर बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसको इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया में कॉपर नहीं दिखेगा, केवल बहुत कम है, जैसे कि राजस्थान के अंदर खेतरी वगैरह है, तो क्योंकि यूज़ भी ज़्यादा होता है कॉपर का, तो इस वजह से जो कॉपर है वो किया जाता है। देन ये तो जो उन्होंने शो किया है ये आपका आयरन ओर है, और जो बॉक्साइट है आप देखेंगे, बॉक्साइट ये आपका वेस्ट बंगाल बिहार की तरफ ये शो हो रहा है इस जगह पर, वेस्ट बंगाल बिहार। तो इंडिया के इस तरफ यहाँ पर आपको बॉक्साइट्स पाए जाते हैं, और ये चाइना के अंदर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे बॉक्साइट्स शो हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि शो कर रही हैं, जैसे अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे ये बॉक्साइट को शो किया गया है, ये आपके आयरन को शो किया गया है, आयरन ओर को, और ये आपका कॉपर शो किया गया है अफ्रीका के अंदर, ये कॉपर शो हो रहा है। देन फिर इसमें बताया है कि चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, एशिया के अंदर ही चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर द अमंग वर्ल्ड लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना ऑल्सो लेड इन इम्पोर्ट प्रोडक्शन ऑफ लेड, और जो चाइना है वो लेड का प्रोडक्शन भी करता है, इसके अलावा
एंटीमोनी एंड टंगस्टन जो मिनरल्स हैं इनका भी प्रोडक्शन करता है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट ऑफ मैगनीज, और एशिया के अंदर मैगनीज के डिपॉजिट्स भी पाए जाते हैं, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। तो ये तो एशिया से रिलेटेड था। अब बाकी जो कॉन्टिनेंट हैं आपके, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आज जितना मैंने जो आपको पढ़ाया है वो पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।